ये देखो इधर, ये आएगा ना वेलकम वाला पेज, क्लोज कर दो, इसका मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पे लंबा चौड़ा आ रहा है ऑप्शन, रेजुलेशन कम है लेकिन मेरे कंप्यूटर का, खैर छोड़ो कोई बात नहीं, बढ़ा दूंगा कल तक मैं वन प्रोजेक्ट लंबा चौड़ा कुछ कुछ आ रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि जावा एप्लीकेशन नहीं दिखेगा तो अदर में जाना है, समझ में आ गया था उस दिन, जावा प्रोजेक्ट क्या तो चालू हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया, पूछ रहा प्रोजेक्ट का नाम बताओ, तो मैं बता देता हूं, रानी दुर्गावती, स्पेलिंग गलत हो गया, सही है कि नहीं है, नहीं है। चलिए जावा 7 है, रहने दो, 11 कर लेते हैं जावा, मजा आएगा, जावा 11 कर लिया मैं, नेक्स्ट करके ओके कर देता हूँ, कर दूंगा अब मैं फिनिश। ये देखिए बोल रहा है क्रिएट मॉड्यूल, रानी दुर्गावती नाम से मॉड्यूल बना दे, डोंट क्रिएट, मुझे जरूरत नहीं है, मत क्रिएट कर, बोल रहा है ओपन प्रिव्यू, जो भी लिखा है ओपन कर दूंगा मैं, हो गया काम। अब ऐसे ही आप लोगों को करना है, प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है, देखिए नियरली डिफाइन कुछ कुछ कर रहा है इंटरनली, ये जो कर रहा है करने दो, हम इसको प्रेस करके ऐसे करेंगे, यहाँ पे मैं आऊंगा और सीधा पैकेज बनाऊंगा, अब एक न्यू फिर क्लास ले लेता हूँ, यहाँ बोल रहा है पैकेज, मैं पैकेज बनाऊंगा, FORM फॉर्म हो गया, डॉट लॉग इन बनाऊंगा, लॉग इन, ये लॉग इन नाम से बनेगा ना, फॉर्म सबसे पहला पैकेज बनेगा और फॉर्म के अंदर ये लॉग इन नाम का एक पैकेज बनेगा, उस लॉग इन पैकेज के अंदर ये मेरा फॉर्म बनेगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ LOGIN FORM, लॉग इन फॉर्म, इसमें बना देता हूं मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड इसमें रहेगा मेरा, कर दिया मैं ओके, फिनिश कर दिया, बन के मेरा रेडी हो गया, अभी क्लास बन के आ जाएगा। ये रेजुलेशन बहुत कम लग रहा है मेरे को, तो मैं कल इसका बढ़ा दूंगा, जो है पूरा प्रोजेक्टर में थोड़ा कम दिखाई देगा तो कोई बात नहीं, दिखेगा तो दिखे, चलो मैं बनाऊंगा, सबसे पहले एक्सटेंड कर लूंगा, क्या उसको बोलते हैं जी, जे फ्रेम ई एक्सटेंड, एक्सटेंड करके आप भी बनाए थे ना जे फ्रेम को, ई एक्स कैलकुलेट कर रहा है उसको, दी ई एक्स टी आ गया एक्सटेंड जे फ्रेम, कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो ये जे फ्रेम आ गया, यहाँ पे कर दिया एंटर, जे फ्रेम इंपोर्ट हो गया। अब मैं एक बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बना दूंगा, पब्लिक बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर, ऐसे बन गया कंस्ट्रक्टर, मैंने कुछ कोड पहले से करके रखा है, ये देख लो, ये जो है ना ये चीजें में समय बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए मैं ये काम को पहले से करके रखा हूं, तो सबसे पहले इनको मैं यहां से करता हूं कॉपी, ऐसे कॉपी करना सही नहीं रहेगा, एक एक लाइन में बारी बारी से कॉपी करूंगा, तो यहां पे आया, यहां पे आके कर दिया पेस्ट, दिस डॉट सेट विजिबिलिटी ट्रू, इसका मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, फॉर्म दिखाई देने लगेगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, ये लो, आप लोग जानते हैं कि जो क्लोज का बटन आता है ना, जैसे मैं रन कर देता हूं पहले फिर बताऊंगा, फिर हम दिख जा भाई किधर है, अच्छा यहां पे हमको ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, बना दिया ऑब्जेक्ट, अब इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां से रन कर दूंगा, किधर है रन वाला, यहीं पे रन कर दूंगा,
ये देखो आ गया छोटा सा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये क्लोज नहीं होगा, अभी तो बंद हो गया जो है, लेकिन वो क्लोज नहीं होता है ऐसे। ये देखो ये चल ही रहा है एप्लीकेशन, देख रहे हो ना एप्लीकेशन चल ही रहा है। तो मैं इसको स्टॉप करूंगा यहां से, एप्लीकेशन जो है बंद वैसे नहीं होता। तो एप्लीकेशन को बंद करने से क्या होगा, बंद कैसे करेंगे हम, तो ऐसे आप बंद करेंगे, यहां पे एक मेथड कॉल करेंगे सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। क्लोज ऑपरेशन में आप क्या कर देंगे, जेफ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, इसमें कई सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। ये देखो मैं करूंगा एग्जिट ऑन क्लोज, एग्जिट बटन दबाना मतलब क्लोज हो जाना। ये देखिए अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो जैसे ही मैं ये देखो क्लोज किया, ये देखो ये डायरेक्टली डिसेबल हुआ ना, तो ये बंद हो गया। अब साइज बहुत छोटा आ रहा है, आप जान रहे हैं कि साइज बहुत छोटा आ रहा है, तो साइज को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखो सेट साइज मेथड को कॉल करूंगा। सेट साइज मेथड को जैसे ही कॉल कर दिया तो क्या हो गया, अब बड़ा विंडो खुलेगा, देखना आप लोग बड़ा खुल गया ना। तो साइज मेरे को इतना ही बड़ा चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखना, आप देखेंगे तो ये देखो किनारे खुल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसका लोकेशन सेट करूं कि किस लोकेशन पे आए, तो इस लोकेशन पे मैं चाहता हूं 1500। ये देखो किनारे आ गया, ये सेंटरे में खुलेगा, 1500 मैंने चेक करके यहां पे करा है, तो ये सेंटरे में खुलेगा, लेकिन अभी प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो रेजुलेशन थोड़ा कम ज्यादा है, इसीलिए किनारे खुल रहा है, देख रहे हो ना स्क्रीन खुल रहा है। नहीं किनारे में लाया हूँ, इधर ही खुला था, इसमें भी लाया हूँ मैं ऐसे पकड़ के सामने, तो जब फुल स्क्रीन में दिखाई देगा ना विंडो तब ये सही खुलेगा। बंद कर देता हूँ अब मैं इसको, अरे मैं डीबग कर करके किया था, बीच में नहीं खुल रहा है वो मैंने यहाँ पे सेट किया है कि हाइट होना चाहिए इतना, विड्थ होना चाहिए इतना, लेफ्ट राइट से कितना कितना होना चाहिए। आप देखोगे जैसे सेट लोकेशन है, देखो तो बोल रहा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसमें पास करो तब होगा, तो वही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पास किया गया है इसमें। क्या कह रहे हो, दिस कीवर्ड हटा भी सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने दिस लिखा है ताकि। अब रहा बात कि हमें क्या करना है, एक होता है ये लेआउट, आप तो अभी लेआउट को ऐसे ही मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, इसके बारे में पूछो मत अभी, मैं थ्योरी में आपको बताऊंगा लेआउट के बारे में। लेआउट हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं ना, तो हमें लॉगिन के लिए दो ठो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, और दो ठो टेक्स्ट बॉक्स के साथ साथ हमें दो ठो लेवल चाहिए, बटन चाहिए चाहिए, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं क्या करूंगा, ग्लोबल ऊपर बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, कुछ किस किस का कौन कौन सा चाहिए, हमें लेबल चाहिए, तो जे लेबल में क्या करूंगा, एल यूजर नेम ले लूंगा, फिर क्या चाहिए, यूजर का पासवर्ड चाहिए, तो एल पासवर्ड मिल जाएगा ऐसे। अब हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए, एल लिखा गया, एल माने लेबल, और फिर मैं टेक्स्ट फील्ड चाहिए मेरे को, तो जे टी टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड का मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड का मतलब टेक्स्ट बॉक्स जो दिखता है हमें, तो फिर यूजर नेम मैं यहाँ पे कर दूंगा, यूजर नेम फिर कॉमा पासवर्ड अभी थोड़ी देर के लिए ही मैं टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ, नहीं तो पासवर्ड बाद में बदल दूंगा मैं, समझ में। अब बटन भी चाहिए हमको, तो जे बी यू बटन यहाँ पे ले लूंगा मैं, लॉगिन बटन और रीसेट बटन ले लूंगा, अभी मैं दो ही लेता हूँ, बाकी को बाद में देखेंगे। ये बटन ले लिया मैंने, अब बटन टाइप का वेरिएबल खाली बना है, अभी तो ऑब्जेक्ट नहीं बना है ना, ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं आऊंगा और ऐसे कर देता,
कंट्रोल जेड यहाँ पे ऐसे न्यू जे लेबल। अब इस लेबल में दिखाई क्या देना चाहिए, यूजर नेम वाले लेबल में मैं चाहता हूं इंटर ईमेल दिखाई देना चाहिए, ईमेल। तो यहां पे मैं लिख दूंगा ऐसे, ऐसे यहां पे मैं चाहता हूं कि इंटर पासवर्ड दिखाई दे, तो ये पासवर्ड लिख दिया, ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। अब हमको सेट करना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा कहां पे, अब फॉर्म पे हमको दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे, फॉर्म कौन सा है हमारा, दिस है फॉर्म, दिस डॉट एड मेथड कॉल करेंगे, एड मेथड कॉल करेंगे। तो एड मेथड को क्या चाहिए, कंपोनेंट मांग रहा है ना, तो कंपोनेंट जो है वो पेरेंट क्लास है, और कंपोनेंट क्लास का चाइल्ड क्लास सभी कंट्रोल है, ये सब समझ रहे हो, जो ये देखो बोल रहे हैं यहाँ पे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए किसको, ऐड मेथड को, लेकिन कंपोनेंट क्लास का चाइल्ड क्लास कौन है, ये बटन वगैरह है, फील्ड वगैरह है, तो हम इन क्लास का भी ऑब्जेक्ट तो दे सकते हैं ना, यही हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा यूजर नेम कॉमा, पहले यूजर नेम दे देता हूं। अब यूजर नेम जो है वो किस लोकेशन पे दिखना चाहिए, तो लोकेशन मैं यहां पे ले लूंगा सेट बॉन्ड्स, ये लो, ये लेफ्ट से है, ये ऊपर से लेगा और फिर ये हाइट और विड्थ को बताएगा। आप इसको डीबग कर करके देखोगे ना, तो हाइट विड्थ आपका सेट होता हुआ दिखेगा, आप डीबग करके देखना बारी बारी से। मैं रन करता हूं प्रोग्राम, देखना अभी क्या होगा, ये देखो ऐड किया तो आ गया ना यहाँ पे इंटर ईमेल, बॉक्स मैंने ऐड नहीं किया है ना, अभी बॉक्स भी बना देता हूं यहाँ पे, यूजर नेम इक्वल टू टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे 10 डाल देता हूँ साइज की, थोड़ा बड़ा दिखेगा, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा पासवर्ड, पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। अब हमें पासवर्ड को भी तो दिखाना है ना, टेक्स्ट बॉक्स दिखाना है हमको, तो मैं क्या करूंगा दिस डॉट ऐड, किसको ऐड कर दूंगा मैं, अब टेक्स्ट फील्ड को ऐड करूंगा यूजर नेम, यूजर नेम को ऐड कर दिया। अब किस लोकेशन पे दिखाई देना चाहिए हमें, तो किस लोकेशन पे दिखना चाहिए जी, इस लोकेशन पे दिखना चाहिए, ये लो। अबे सेट लोकेशन को मैंने पहले से कर रखा है ताकि समय व्यतीत ना हो डीबग करने में, हमें हिडन ट्रायल करने में, ये देखो आ गया, यही है टेक्स्ट बॉक्स। चलिए ऐसे ही हमें लाना पड़ेगा पासवर्ड भी, हाँ पासवर्ड का भी लेबल और बाकी, तो पासवर्ड का ऑब्जेक्ट तो बन ही गया है दिस। आप जैसे जिस सीक्वेंस में मैं ऐड कर रहा हूं ना बटन वगैरह, सर आप जो लिखे हैं जे टेक्स्ट फील्ड, हां वो कहां से आया, कौन से, वहां पर मेजर यहां है, एक ये वाला कर रहे हो क्या, नहीं ये वाला, यूजर नेम और पासवर्ड लिखे हैं ना ये वाला, ये क्लास है ना, ये बना बनाया क्लास है, पहले से क्लास बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है ना, तो ये बना बनाया क्लास है, ये बना बनाया क्लास है। अब यहाँ पे ऐड मैं किया, अब यहाँ पे क्या कर दूं, एल पासवर्ड को डालता हूं मैं, एल पासवर्ड को भी डाल दिया, और फिर दिस डॉट ऐड करूंगा, और यहाँ पे पासवर्ड फील्ड को डाल दिया। अब सेट बॉन्ड वाला भी चलाना पड़ेगा हमें, ताकि पता चले किस लोकेशन पे है, तो ये लो मैं दोनों एक ही बार में पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे। पासवर्ड इस लोकेशन पे दिखना चाहिए, और टेक्स्ट बॉक्स जो है पासवर्ड का इस लोकेशन पे दिखना चाहिए, हो गया हमारा काम खत्म, अब दिख जाएगा दोनों, दिख गया दोनों जी। अब हमें बटन को भी तो दिखाना है ना जी, तो बटन का भी हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं नीचे,
यहाँ पे मैं डालता हूँ लॉग इन, कंस्ट्रक्टर में हम डाल देंगे इसका जी लॉग इन। और लॉग इन जैसे है ऐसे ही रीसेट बटन भी तो है, तो रीसेट बटन इक्वल टू न्यू बटन और यहाँ पे कर देंगे रीसेट। अब हमें क्या करना है, लॉगिन बटन और रीसेट बटन को भी फॉर्म पे ऐड करना है, तो दिस डॉट चलाएंगे भाई, दिस डॉट ऐड और लॉगिन बटन को यहाँ पे डाल दिया। अब दिस डॉट ऐड कौन सा, अब रीसेट बटन ऐड कर दिया, दोनों ऐड हो गए। अब सेट बाउंड वाला भी चलाना पड़ेगा, तो ये देखिए सेट बाउंड वाला भी है यहाँ पे, इसको भी चला देंगे, ये लो सेट बाउंड भी चल गया। आ गया, अब ये बटन काम नहीं करेगा, प्रेस हो रहा है, बन के रेडी हो गया फोन। तो मैं चाह रहा हूं कि इससे ज्यादा ना बताऊं आप लोगों को, बाकी को आप प्रैक्टिकल करो। सर एक बार बताएंगे क्या बताऊं, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही, समझ रहे हो, ये व्हाइट स्पेसेस मैंने एक्स्ट्रा हटा देता हूँ यहाँ से। अब ठीक है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही होता है, तो इसीलिए मैंने बनाया क्या, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर जहां पे बनाया वहीं पे सारा मैंने कंट्रोल को क्रिएट किया, क्या किया, कंट्रोल का ऑब्जेक्ट बनाया और उन सभी का लोकेशन सेट कर दिया और फ्रेम पे उसको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया फ्रेम पे, ऐड कर फ्रेम, फ्रेम मेरा खुद का क्लास है फ्रेम, ये देखो लॉगिन फॉर्म है ना यहाँ पे, तो मैंने लॉगिन फॉर्म में जे फ्रेम को एक्सटेंड किया है, तो मेरा फॉर्म ही, मेरा लॉगिन फॉर्म जो क्लास था वही बन गया फ्रेम। तो मैंने फ्रेम पे क्या किया, कंस्ट्रक्टर में लिख दिया कोड कि जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो सबसे पहले क्या बनेगा, जितना भी हमें कंट्रोल चाहिए उन सभी कंट्रोल का ऑब्जेक्ट बने, और जैसे उन सभी का ऑब्जेक्ट बने तो क्या होगा, फिर उनको ऐड किया जाए फ्रेम पे, फ्रेम पे यहाँ पे ऐड हो गया है ना, तो जैसे ही फ्रेम पे ऐड हुआ तो उसके बाद हमने उसका लोकेशन सेट कर दिया कि फ्रेम में किस जगह पे दिखाई देना चाहिए, क्या सेट किया हमने, फ्रेम पे किस जगह पे हमें दिखाई देना चाहिए। अब ये जो सेट बाउंड वाला है ना यहाँ पे कॉल हुआ है, इसको मैं इसको भी नीचे ही कॉल कर देता हूँ, एक ही जगह दोनों सारा लोकेशन सेट हो जाए, क्यों, ये देखिए तो अब ठीक दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ सभी का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उन सभी कंट्रोल को फॉर्म पे मैंने ऐड किया है, जो मैंने पहले ऐड किया वो पहले दिख रहा है, जो बाद में ऐड किया है वो बाद में दिख रहा है, समझ रहे हो इतना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेम में ऐड तो कर दिया, लेकिन वो किस लोकेशन पे दिखाई देना चाहिए, तो हमने सेट बाउंड से यही बताया है कि हाइट ये होना चाहिए, मतलब लेफ्ट से इतना, राइट से इतना आना चाहिए, फिर इसका साइज कितना होना चाहिए, तो यही सब मैंने साइज हाइट विड्थ सेट किया है, समझ रहे हो, तो ये हमने क्या किया, सेट बाउंड सेट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या दिया, लोकेशन, तो दिस का मतलब ये दिस जहां जहां पे कॉल हुआ वहां पे मैं, समझ लेना मैं फ्रेम का बात कर रहा हूँ, मेरा फ्रेम इस लोकेशन पे दिखना चाहिए, मेरे फ्रेम का साइज 500 × 300 होना चाहिए, क्या फ्रेम का है ये, दिस माने मेरा क्लास, तो मेरा क्लास कौन है, फ्रेम है ना, वही हुआ। अब लेआउट, लेआउट को मैं थ्योरी में बता दूंगा आपको, कई तरह के लेआउट होते हैं, उस पे मैंने क्या किया है, लेआउट को नल पास कर दिया, मुझे कोई लेआउट नहीं चाहिए, मैं अपने हिसाब से कंट्रोल को फॉर्म में सेट करूंगा, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पे सेट किया, समझ गए। और फिर ये जो लाइन है ना क्लोज ऑपरेशन, वो क्लोज बटन पे क्लिक करने पे क्लोज होना चाहिए, इसलिए हमने ये कोड लिखा है, समझ में आ गया। और ये रहा बात विजिबिलिटी का, तो फॉर्म दिखना चाहिए, इस बात का विजिबिलिटी है, समझ रहे, तो यही टोटल है इसमें। अब फोटो वगैरह आप चाहें तो खींच लें, छोटा नहीं यार, इतने में खींचो, इतने में आपको ये सर, मजा आ गया।
रुक जाइए सर, रुक जाइए, ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देना है सर, दम कर दीजिए सर। अच्छा हाँ, तो ग्रुप में डाल दे, प्रश्न भेजेंगे किस सॉन्ग हो गया, सेव कर देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग यहाँ तो बंद कर दे, इतना मैं फर्स्ट काम